नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आप हरियाणा पोल्ट्री चैनल देख रहे हैं और आज हमारे पोल्ट्री में पहला दिन है। हमारे चिक्स को आए हुए और आज हम बताएंगे हमने क्या क्या मैनेजमेंट किया है और कैसे कैसे किया है। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट ऑफ आपको पहले ये बताते हैं कि चिक्स आने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। चिक्स आने से पहले हम यहाँ नीचे बालू रेत डालते हैं, मिट्टी डालते हैं और उसके ऊपर हम अखबार बिछाते हैं, पेपर जिसको न्यूज़पेपर भी बोलते हैं हम, वो बिछाते हैं। और फिर हम अपने जो ये बर्तन हैं, फीडर हैं, ये सेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही हमारा चिक्स आता है, सबसे पहले उसको हमें दाना नहीं डालना होता, हमें उसको पानी पिलाना होता है। कुछ एक घंटे के लिए हमें उसको वैसे ही खुला छोड़ना है ताकि वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हमें उसको गुड़ का पानी पिलाना है। गुड़ कितना देना है, गुड़ पर वर्ड, ये मान लो 1000 वर्ड पे हमें 150 से 250 ग्राम गुड़ देना होता है। और दोस्तों, गुड़ देने के एक घंटे बाद हमें दाना डालना है ताकि वो पानी पिए। पानी पीने के बाद वो अपना जो भी है, जैसे हमने ये दाना डाल रखा है, ये नीचे भी थोड़ा थोड़ा दाना डाल रखा है हमने, इसके अंदर भी है, ताकि जो चिक्स है वो खुले में घूमेगा तो जहाँ उसको दाना मिलेगा वो चुग लेगा और ऐसे वो धीरे धीरे अपना जो भी है दाना उठाना शुरू कर देगा। और उसके बाद 2 या 3 दिन में हम ये अपना जो पेपर है इसको निकाल देंगे और फिर ये इसके अंदर फीड खाना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमने पेपर बिछाया है, ये किस लिए बिछाया है कि जो हमें ये फीड यहाँ डालनी पड़ती है वो वेस्ट ना जाए, वो ख़राब ना होए, वो मिट्टी में ना मिले। और अगर बगैर पेपर के हम फीड डालेंगे तो फीड मिट्टी में डलेगी और फीड और मिट्टी दोनों हमारा बर्ड एक साथ उठाएगा तो बर्ड में दिक्कत आएगी, वो बीमार हो जाएगा, उससे हमें नुकसान होगा। और दोस्तों, बात करें अगर जैसे कि मौसम की, तो अभी फिलहाल बहुत बढ़िया, जो इनको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर इनको बगैर भट्टी के या बगैर हीटर के मिल रहा है इनको। इस टाइम में फिलहाल टेम्परेचर 80 से 90 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको टेम्परेचर हमारा। ये देखिए 80 का टेम्परेचर है हमारा फिलहाल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए, बाकी दिन में तो 80 रहता ही है। अगर रात को थोड़ी बहुत ठंडी हो भी जाती है, थोड़ा बहुत मौसम बदल जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हमने ये भट्टियाँ लगा रखी इसके अंदर, क्योंकि रात को अगर ठंड हो जाती है तो हम ये इनमें से एक आध भट्टी चालू कर देते हैं, जिससे क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे और चिक्स में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा चिक्स आता है हैचरी से फर्स्ट डे, उस टाइम इसका वेट कितना होता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको अपना चिक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया हेल्दी चिक्स है। देखो, ये देखिए इसका वेट होना चाहिए 45 से 50 ग्राम और हमारे वर्ड का जो हमारा ये चिक्स है, इसका वेट हमने करके देखा है, ऑलरेडी किया था, सुबह ही किया था, जिस टाइम ये हमारे फार्म में आए थे उस टाइम पे इसका वजन किया हमने, 50 ग्राम था एक वर्ड का जो भी ये अपना चिक्स है, इसका वेट 50 ग्राम था। तो दोस्तों, कुछ एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होती है, जैसे हमने बाहर का जो ये पर्दे लगा रखे हैं, अगर बाहर की हवा, जैसे कि अभी फर्स्ट डे है तो इसमें कोई गैस की प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इसीलिए बाहर की हवा सीधी अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर बाहर की हवा सीधी अंदर आती है और चिक्स को लगती है तो इसमें बीमारी आएगी ही आएगी, इसलिए हमने बाहर अंदर ये लगा रखी है ब्लैक वाली पन्नी और बाहर भी हमने पर्दे लगा रखे हैं 2, ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ पाए और ना बाहर से हवा नहीं आएगी तो ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, ना ही कोई बीमारी आएगी। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो देखो, अपना अपना हिसाब होता है, अपने हिसाब से कोई कुछ भी दे देता है, लेकिन हमने मेडिसिन दी हुई है। तो उससे पहले क्या है कि कुछ लोग अपना घरेलू इलाज भी करते हैं, घरेलू नुस्खे हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ घरेलू में अपना अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए,
ये दिया हुआ हमने, ये थोड़ा सा ध्यान से दिखाइएगा इसको, कैमरामैन को बोलूँगा मैं, आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए अपना, इंटरमैक्स WDS। और दोस्तों इसकी जो मात्रा है 100 वर्ड पे 2 से 5 ml डेली देनी होती है। और इसके साथ में दोस्तों एक और देते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों ये दोनों दवाई हम मिला के देते हैं और आपको मात्रा इसकी बता दी है। और ये हम देंगे, ये मानो कि पर डे देंगे, 5-6 दिन तक इसको ये दवाई चलाएंगे हम। और साथ साथ में कुछ हमारे खुद के भी मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं हम वो भी यूज़ करते हैं ताकि बर्ड में कोई दिक्कत ना आए और बर्ड हमारा जो ये चिक्स है हेल्दी रहे और अपनी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ करे। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।